अपनी बाइक से कुछ शेयर कराना चाहता हूँ रिगार्डिंग। यार मैंने कुछ दिन पहले अपनी बाइक का ये इंजन बनाया था। अच्छा, इंजन इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि इसकी जो है गाड़ी इंजन ऑयल बहुत खा रही थी, तो उस हवाले से फिर मैंने एक मैकेनिक से कंसर्न किया, तो मैकेनिक ने मुझसे बोला कि यार इसका इंजन बनेगा। अच्छा, मैं कुछ ज़्यादा जानता नहीं था मैकेनिक को, बहुत कम काम कराया उससे, तो मैंने कहा ठीक है भाई बता दो क्या इसका वो होगा। तो कहने का भाई एक दिन गाड़ी रखूँगा मैं और इसके जो है रिंग पिस्टन वगैरह टॉप टू बॉटम सारा काम होगा और ये ख़र्चा आएगा। तो मैंने कहा यार अब करवाना तो है इसलिए कि ये एक ज़रूरत की चीज़ है। मैंने उसको बाइक दे दी। अब जब मैंने बाइक दे दी तो मैंने उसको फॉलोअप नहीं किया, मतलब दूसरे दिन ही मैं उसके पास गया और बाइक जो है तैयार हालत में खड़ी हुई थी। अब वो जब मैंने उसको बाइक स्टार्ट वगैरह करी तो बाइक चलने में बिल्कुल सही थी। खैर अभी मुझे इसको बनाए हुए तकरीबन 20-25 ही दिन हुए इंजन को। आप ये इंजन की हालत देखें, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑयल जो है किस तरह से लीक हो रहा है सील्स से और मुख्तलिफ इंजन की जगहों से, ये लग ही नहीं रहा कि 10-20 दिन पहले का जो है ये इंजन जो है बना हुआ है, ये कहीं से भी नहीं लग रहा। एक बल्कि इसका काफ़ी ऑयल तो मैं साफ़ कर चुका हूँ, काफ़ी ऑयल जो है मैं साफ़ कर चुका हूँ उसका, और उसके बाद ये हालत है आप देखें तो। और ये देखें इस तरफ़ से, ये मेरे ख़्याल में ये एक सील होती है यहाँ पे जो कि लीक हो चुकी है, यहाँ पे ये सील लीक हो चुकी है। और अच्छा, फिर मैं अभी उसके पास गया ना मैकेनिक के पास, तो मैकेनिक से मैंने बोला कि भाई इतना ख़र्चा करा दिया, ये अभी सील वगैरह का क्या इशू है, सीले का नई सीलें तो तुमने डाली होंगी इसमें, हाँ सीलें तो नई डाली थी, अब ये है कि भाई इसका जो है सीलें दोबारा चेंज होंगी, इंजन है गाड़ी है इसकी कोई वो गारंटी नहीं होती। तो दोस्तों कहने का मकसद ये है कि जब मैंने सारा वो टॉप टू बॉटम काम करवा लिया था इंजन का और सीलें वगैरह, जाहिर सी बात है एक दफ़ा इंजन खुलता है तो सीलें वगैरह सारी चेंज होती हैं इसकी, अब वो जब सीलें चेंज हुई हैं सारी नई लगी हैं तो ये इस तरह ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए बाइक की। ये मैं काफ़ी ऑयल जो है फिर बता दूंगा आपको, ये काफ़ी ऑयल जो है मैं साफ़ कर चुका हूँ, ये उसके बाद आया। अच्छा, मेरी रनिंग भी इतनी नहीं है ना, मैं रनिंग तकरीबन रोज़ाना की 15-20 किलोमीटर है और उसके बाद ये हालत है, मतलब कोई ऐसा वो लंबा नहीं है कि मैं 40-50 किलोमीटर तक जो है वो रनिंग कर रहा हूँ मोटरसाइकिल की, ऐसी कोई रनिंग वनिंग का कोई इशू भी नहीं है। अच्छा भाई, अब आप लोगों को मेरी एक सजेशन है भाइयों वाली, यार कभी भी गाड़ी वाड़ी बनवाओ ना किसी से अपनी, तो यार कम से कम उससे पहले ना चीज़ें तय कर लो भाई कि तुम क्या क्या काम करोगे, कितने में करोगे, और अगर इन केस अगर इस चीज़ में कोई मसला निकल गया है तो उसका क्या रद्दोबदल होगा, उसको तुम किस तरह ठीक करके दोगे। अब वो जब मैंने जब ज़ाहिर है इसको बताया जाके मैकेनिक को, तो मैकेनिक साहब कह रहा है यार सीलों की कोई गारंटी नहीं होती, तो जब गारंटी नहीं होती भाई तो ये मतलब समझ नहीं आई बात, गारंटी नहीं होती तो इतनी जल्दी कैसे वो ख़त्म हो जाती है सील के दोबारा ऑयल निकलने लगा गाड़ी में से। अब ये मेरे ख्याल में सीलों का फिर ख़र्चा, वो दोबारा ख़र्चा मैं बर्दाश्त करूँ, तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि चलो चाइना की चीज़ है माना कि मतलब आजकल चीज़ें भी दो नंबर आ रही हैं, लेकिन यार कुछ अर्सा तो काम करें ना चीज़, कुछ अर्सा तो निकालें, ऐसे थोड़ी है कि यार बस 15-20 दिन चलाए और फिर ये मसला हो गया। अब वो देखने में भी बुरा लगता है और ऑयल का भी फिर दोबारा कम हो रहा है ऑयल, जिस मतलब कहने का मकसद ये है जिस चीज़ के लिए बाइक बनवाई थी ऑयल कम हो रहा था इंजन में से, वही चीज़ दोबारा आ गई दूसरे शक्ल में, यानी पहले जो है इंजन जो है पहले ऑयल खा रहा था धुएं की सूरत में, अब इंजन जो है ऑयल फेंक रहा है बाहर, ये हो गया। अब सीलें चेंज कराने का अलग खर्चा होगा, उसके बाद पता नहीं कि वो सीलें कितने अर्से चलें, लेकिन ये है कि अब दूसरे मैकेनिक से ही काम करवाऊँगा। और आप बाइक भी देखना है कितनी गंदी हो रही है, जाहिर है यार एक बंदा जब ऑयल गिर रहा है इंजन गंदा हो रहा है तो बाइक साफ़ करवाने का भी दिल नहीं चाहता बिल्कुल भी। मैंने कहा जब एक दफ़ा ही होगा तो सही करवाएंगे बाइक, इस तरह जो है साफ़ करवाएंगे बाइक और इस तरह जो है मज़ा नहीं आता चीज़ कराने का। तो ये है यार कि ना पहले ना, हाँ जब भी आप किसी मैकेनिक के पास जाओ ना यार सर्वे कर लो पहले, ये मैकेनिक है भी सही या नहीं, आफ्टर सेल्स देता भी है या नहीं देता, है ना। यहाँ पे कुछ मैकेनिक होते हैं कि उनकी दुकान से गाड़ी उतरी और फिर उनकी जो है वो गारंटी बिल्कुल वो पहचानते भी नहीं है आपको कि कौन हो भाई, कब आए थे, हाँ आए होंगे कभी, हाँ करवाया होगा, फिर अब क्या हुआ, हाँ तो उस चीज़ की गारंटी थोड़ी होती है, तो ये चक्कर बहुत है यहाँ पर। तो बेहतर यही है कि पहले जो हो आप मैकेनिक के बारे में जान पहचान कर लो,
लोगों से आगे पीछे पूछ लो, किसी से रेफरेंस ले लो कि कौन सा मैकेनिक अच्छा है यार, आफ्टर सेल्स देता है या नहीं देता, उसके बाद जो है ना आगे चलो यार। और बड़ा काम कराने में खास तौर पे से इंजन बनवाए हैं आप, छोटे मोटे काम तो चलो बंदा फिर भी करा लेता है जिसको कम खर्चा होता है, लेकिन बड़े काम में जो है ना यार पहले मार्केट सर्वे कर लिया करो कि यार क्या है क्या नहीं है, किस तरह का है मकैनिक, और फिर उसके हाथ में गाड़ी दो और कोशिश करो कि यार चीज़ अपने सामने बनवाओ, गाड़ी जो है ना अपने सामने बनवाओ तो ज़्यादा सही रहता है। अगर छोड़ के आओ तो भैया वो असल में लड़कों को दे देते हैं हाथ में, लड़कों के हाथ में दे देते हैं चीज़, तो उसके हिसाब से जो है वो फिर लड़के अपने हिसाब से काम करते हैं, पलट के देखते नहीं हैं ये लोग कि किस तरह काम कर रहे हैं लड़के, क्या कर रहे हैं, किस तरह नट बोल्ट स्क्रू टाइट कर रहे हैं, बस बन लड़कों ने कह दिया साद ओके है तो बस ओके है। बहुत सारे मैकेनिकों को मैंने ये देखा है कि वो बताते नहीं हैं कि यार छोड़े ये काम करा तूने सा चेक करवा, बस वो कहते हैं हाँ बस हो गया चेक करो, कोई मसला हो तो बता देना, ये बड़ा इशू है। तो भाई नेक्स्ट टाइम जो है मैं भी कोशिश करूँगा और आप भी कोशिश करो आप लोग भी कि जब भी गाड़ी बनवाओ मकैनिक देख लो और पैसे ठहरा लो और पहले बात कर लो यार ख़राब तो नहीं होगा, ख़राब होगा तो क्या होगा, ताकि बंदा आगे की परेशानी से बच जाए ख़ासतौर से बड़े काम में। तो बस यही था आप लोगों के साथ शेयर करना, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।